से ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो कॉलेज चला जाना। क्या वाणी हुई डिसअपॉइंट? क्या अब वार्ड टू पे मुसीबतों के बादल हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म वॉर के बाद से ही फैंस काफी एक्साइटेड हैं वॉर के सीक्वल के लिए। जी हाँ, और इसकी अनाउंसमेंट भी पिछले अक्टूबर के महीने में ही कर दी गई थी, जिसके बाद से इस फिल्म पे काम स्टार्ट कर दिया गया था। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ अब फिल्म को लेकर ज्यादा अच्छी खबरें नहीं सामने आ रही है। फिल्म पे मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, और इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपको हम एक खुशखबरी दे देते हैं। जी हाँ, तो अगर आप इस सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। फिल्म वॉर 2, जैसा कि हमने आपको बताया है कि काफी ज्यादा मुसीबतों से गुजर रही है, जिसके साथ ही साथ अब एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि एलिजेड ली फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस वाणी कपूर भी मेकर से कुछ खफा हो गई है। उनका कहना है कि फिल्म को काफी टाइम हो गया है साइन की हुए, और उसका इतना डिले होना उनके आगे आने वाले शेड्यूल्स पे असर डाल सकता है। बात इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा भी कहा जा रहा था कि फिल्म को रिजेक्ट भी कर सकती है वाणी। फिल्म वॉर 2 के ऊपर मुसीबतों के बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, जहाँ वाणी ऑलरेडी नाराज बैठी है मेकर से, वहीं खबरें ये भी आने लगी है कि शायद टाइगर श्रॉफ इस फिल्म से बैक ऑफ कर सकते हैं, जिसकी मेन वजह बताई जा रही है उनका एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट, जिसका ऑफर वो एक्सेप्ट करने के लिए सोच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से ये वॉर के सीक्वल को ठुकरा सकते हैं, जिसके बाद उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना मेकर्स के लिए आसान बात नहीं होगी। तो क्या आपको लगता है कि क्या टाइगर का ये डिसीजन सही साबित होगा? आप अपने व्यूज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।